एंद्री बेते अपनी किताब हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक सोशल सिस्टम में सोसाइटी को दो सिस्टम में बांटते हैं। कहते हैं कि सोसाइटी जो है हार्मोनिक सोशल सिस्टम हो सकती है, जिसमें कि जो नॉर्मेटिव ऑर्डर है और जो एग्जिस्टेंशियल ऑर्डर है वो कोएग्जिस्ट करेगा, कि मतलब जो सोच में है वही हो रहा होगा। जैसे कि इंडिया में इनइक्वालिटी लोगों के माइंडसेट में भी है और लोग इनइक्वालिटी को प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि डिसहार्मोनिक सोशल सिस्टम्स होते हैं, जिसमें कि जो एग्जिस्टेंशियल ऑर्डर और जो नॉर्मेटिव ऑर्डर है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी। जैसे कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कहते तो हैं कि हम इगैलिटेरियन सोचते तो हैं कि इगैलिटेरियन होंगे, लेकिन जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें हायरार्की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। ये इनकी किताब हार्मोनिक और डिसहार्मोनिक सोशल सिस्टम में था। इनकी दूसरी किताब है कास्ट क्लास और पावर, उसमें ये कहते हैं कि प्री मॉडर्न टाइम्स में जो कास्ट था, क्लास था और पावर था वो उसमें ओवरलैप था, ठीक है, एक साथ होता। जिसके पास हाई कास्ट है उसी के पास हाई क्लास होती थी और उसी के पास हाई पावर होता था, ठीक है। लेकिन और उस टाइम पे जो कास्ट था, अगर बस कास्ट इंसान की पता चल जाती थी तो उनकी सोशल स्टैंडिंग क्या है ये पता चल जाता था। जैसे कि अगर कोई हाई कास्ट का है तो हाई क्लास और हाई पावर है, मिडिल कास्ट का है तो मिडिल क्लास और मिडिल पावर है, और लो कास्ट का है तो लो क्लास और लो पावर है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के बाद जो है हाई कास्ट वाला मिडिल क्लास हो सकता है और उसके पास पावर सबसे कम हो सकती है, ठीक है, लो पावर हो सकती है, लो कास्ट वाला हाई क्लास का हो सकता है, उसके पास पावर हो सकती है। तो जो लिंकेज था पहले कास्ट क्लास और पावर में वो टूट चुका है, और मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी है, मतलब कि एक इंसान जो है वो तीनों ही दर्जे में नीचे होगा, वो जो चीज़ पहले हुआ करती थी कि उसके पास ना ही कास्ट है ना क्लास है ना पावर है, वो डिस्पर्स हो चुकी है इनइक्वालिटी की। कुछ कुछ ना कुछ एक चीज़ उसके पास हो सकती है, ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि कास्ट हाई है लेकिन पावर लो है, तो जो डिस्पर्स इनइक्वालिटी हो गई है, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है कि क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी जो थी वो रिप्लेस हो गई है डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी से।